देवास जिले के बागली में एक ओर जहां प्रदेश सरकार शासकीय स्कूलों में पढ़ने वाले मासूम बच्चों को मध्याह्न भोजन के माध्यम से भोजन देने के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता व लापरवाही के चलते हकदार मासूम बच्चों के मुंह तक मध्याह्न भोजन का निवाला नहीं पहुंच पा रहा है। हालांकि सभी अधिकारियों को जानकारी होने के 2 माह बीत जाने के बाद भी वह बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था नहीं कर पाए। हम बात कर रहे हैं बागली तहसील के नगर चापड़ा के संकुल परिसर में संचालित शासकीय प्राथमिक विद्यालय श्याम नगर चापड़ा में कक्षा 8वीं से 5वीं तक 71 बच्चे दर्ज हैं, जिसमें विगत 2 माह से स्कूल में मध्याह्न भोजन नहीं मिल पा रहा है, लेकिन किसी ने भी आज दिनांक तक मध्याह्न भोजन शुरू कराने का प्रयास तक नहीं किया है। जानकारी के अनुसार 2 सितंबर से स्कूल में मध्याह्न भोजन बंद हो चुका है, जिसके बाद आज तक मध्याह्न भोजन बनना शुरू नहीं हो पाया। बच्चे विगत 2 माह से अपने घर से ही खाने का टिफिन लेकर स्कूल आ रहे हैं और लंच के टाइम घर से लाया हुआ भोजन बच्चों को खाना पड़ रहा है। जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते मासूम बच्चों को अपना हक नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जिम्मेदार बेफिक्र होकर अपने ऑफिस में बैठे नजर आते हैं। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। 2 माह से बच्चों को मध्याह्न भोजन नहीं मिल पा रहा, क्या समस्या आ रही है? हमने इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारी को मतलब लिखित में आवेदन दे दिया है और 8 तारीख तक बच्चों को भोजन अपरिहार्य है। कितने संख्या कितनी है बच्चों की? बच्चों की संख्या 71 है। 71 संख्या है और बच्चों को भोजन मध्याह्न भोजन नहीं मिल पा रहा है। हाँ जी, सभी बच्चों को नहीं मिल पा रहा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।